हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कैश मेमोरी के बारे में। एक्चुअली कैश मेमोरी होती क्या है, जो कि कैश मेमोरी मेन मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में आने वाली मेमोरी होती है। वो L1 और L2 में डिवाइड होती है। तो के कैश मेमोरी का मेन वर्क क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पेन पेन की रिक्वायरमेंट है, तो आपके जेब में पेन होगी तो आप सरलता से उसे निकाल के यूज़ कर सकते हैं। बल्कि आपके डेस्क पर पेन रखी होगी तो आपको थोड़ी देर लगेगी। इसी तरह ही प्रोसेसर सबसे पहले डेटा कैश मेमोरी में ढूंढेगा, उस यहाँ उसको अवेलेबल नहीं होगा तो वो बाद में मेन मेमोरी में ढूंढेगा। अब हम देखते हैं कैश मेमोरी के बारे में मेन पॉइंट। तो कि कैश मेमोरी मेन मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में आती है। जो मेन मेमोरी और प्रोसेसर है उसके बीच में कैश मेमोरी आती है। सेकेंड पॉइंट है L1 कैश इज ऑन चिप। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि L1 कैश होती है वो प्रोसेसर के साथ ही जुड़ी हुई होती है, और L2 कैश है वो आउटसाइड द CPU चिप, वो माइक्रो प्रोसेसर के बाहर होती है, मतलब कि मदरबोर्ड के ऊपर। यहाँ पे L1 कैश L2 कैश से छोटी होती है। L1 कैश की साइज 16 to 64 KB होती है, जबकि L2 का साइज 256 to 512 KB होती है। L2 कैश साइज है वो L1 से ज़्यादा होती है। बाद में आता है CPU कैन फाउंड 90% डेटा इन कैश मेमोरी। इस सेंटेंस का मतलब है कि CPU जब भी आप कोई भी डेटा ढूंढ इंस्ट्रक्शन दोगे तो CPU को 90% डेटा उसको कैश मेमोरी में मिल जाएगा। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। मान लो कि आपने कोई इंस्ट्रक्शन दी तो ये प्रोसेसर है, प्रोसेसर वो सबसे पहले L1 में ढूंढेगा, L1 कैश मेमोरी में ढूंढेगा। वहाँ उसको डेटा नहीं मिलेगा तो वो L2 कैश में ढूंढेगा। वहाँ भी उसको डेटा नहीं मिलेगा तो वो मेन मेमोरी जो अपनी रैम होती है, रैम मतलब कि वो आपकी हार्ड डिस्क, वहाँ से रैम जो डेटा पड़ा हुआ है हार्ड डिस्क में वो रैम के द्वारा। तो के L1 और L2 कैश दोनों कैश में खास अल्गोरिदम लिखा हुआ होता है। अल्गोरिदम कैसा अल्गोरिदम, सपोज कि आपने P1 प्रोग्राम में, P1 टाइप का प्रोग्राम वो कंप्यूटर को दिया सॉल्व करने के लिए, तो P1 प्रोग्राम सबसे पहले L2 कैश में आएगा, वहाँ पे वो स्टोर हो जाएगा, स्टोर P1। बाद में वो L1 कैश में आएगा, वहाँ पे भी वो स्टोर हो जाएगा, स्टोर P1। बाद में वो प्रोसेसर में जाएगा, प्रोसेसर। यहाँ पे L2 में P1 स्टोर हो गया, L1 में P1 स्टोर हो गया, बाद में प्रोसेसर में गया। अब आप देते हैं प्रोग्राम 2 की इंस्ट्रक्शन, तो सेम वही प्रोसेस, L2 में स्टोर हुआ, L1 में स्टोर हुआ, प्रोसेसर में हुआ। वो P1 तो ऑलरेडी स्टोर है ही उसमें, यहाँ पे P1 स्टोर है और प्रोग्राम 2 भी स्टोर हो गया। तो आप जब भी P1 टाइप का इंस्ट्रक्शन फिर से दोगे तो ऑलरेडी प्रोसेसर को L1 में से मिल जाएगा प्रोग्राम। यहाँ पे सपोज के आपका मन में वो सवाल होगा कि L1 और L2 कैश की साइज तो स्मॉल है तो वो कैसे 90% डेटा CPU को दे सकता है। तो यहाँ पे भी खास अल्गोरिदम होता है, जैसे कि L2 में
पी वन स्टोर हुआ, पी टू स्टोर हुआ, पी थ्री स्टोर हुआ, और एल वन में भी पी वन स्टोर हुआ, पी टू स्टोर हुआ और पी थ्री, वो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम वन टू थ्री, प्रोग्राम वन टू थ्री। अब सपोज कि आप पी फोर स्टोर इंस्ट्रक्शन देते हैं आप, तो एल टू में पी फोर स्टोर हो जाएगा, क्योंकि एल टू की साइज एल वन से ज़्यादा है, बल्कि एल वन की साइज फुल हो गई, तो वो पी वन प्रोग्राम वन है उसको इरेज करके पी फोर स्टोर कर लेगा, और यहाँ तो पी वन प्रोग्राम हो गई। जब एल टू कैश फुल हो गई तो वो पी वन को इरेज करके पी फाइव नाम का प्रोग्राम जो है वो स्टोर करेगा। इसी तरह एल्गोरिदम आएगा, अब पी सिक्स आएगा तो पी टू चेक हो जाएगा, यहाँ पे पी फाइव आएगा तो पी टू होगा, इसी तरह एक प्रोग्राम आएगा तो पहले वाला जो भी आपने पहले इंस्ट्रक्शन दिए वो प्रोग्राम आपका इरेज हो जाएगा बाद में आपको प्रोसेसर। इसीलिए जब फॉर एग्जांपल कितनी बार आपने मानो के गूगल पे फेसबुक खोला, फेसबुक और वो बंद करके फिर से वो खोला, तो फेसबुक तो ऑलरेडी कैश मेमोरी में आ ही गया है, वो स्टोर हो ही गया है, इसलिए आपका थोड़ा नेट ज़्यादा चलता है, वो फेसबुक झड़प से ओपन होता है आपके कंप्यूटर से। इसी तरह कैश मेमोरी जो है वो हमारा डाटा, वो हार्ड डिस्क के जो डाटा है उससे ज़्यादा फास्ट एक्सेस करते हैं। कैश मेमोरी का कॉन्सेप्ट वही होता है, आपको सिर्फ यहाँ इतना याद रखना है कि कैश मेमोरी L1 और L2 के होती है, L1 की साइज L2 से कम होती है, L1 ऑन चिप मेमोरी होती है मतलब कि माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर ही, और L2 कैश मदरबोर्ड के वो के आउटसाइड सीपीयू चिप, और 90% डेटा सीपीयू कैन फाउंड फ्रॉम कैश मेमोरी, और उसमें खास प्रकार के अल्गोरिदम होते हैं जो पी वन प्रोग्राम टू प्रोग्राम थ्री प्रोग्राम फाइव जो जितने भी प्रोग्राम है जैसे आपकी साइज इतना स्टोर करेगा, प्रोग्राम फुल हो जाने के बाद वो पहले वाला प्रोग्राम को इरेज करके लास्ट वाला प्रोग्राम स्टोर करेगा, इसी तरह उसकी साइकिल जो है वो चलती रहेगी दोनों की साइकिल, और इसी तरह प्रोसेसर जब भी डेटा करेगा तब उसको डेटा मिले, इसी तरह 90% डेटा प्रोसेसर अपने कैश मेमोरी से ढूंढ सकता है। इसलिए कैश मेमोरी जो है वो मेन अपनी ओरिजिनल मेमोरी और प्रोसेसर के बीच वाली मेमोरी, सो इसी तरह कैश मेमोरी काम वर्क करती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।